प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, यदि आपको ध्यान हो तो 2 वर्ष पहले मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है और उनके पद को भी खतरा अवश्य बनता है। और आपने देखा होगा, बीच में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी हुआ था जब सेना तख्ता पलट करने की स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन दूसरा कोई मजबूत विकल्प उनके पास नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के साथ में समझौता भी किया था। लेकिन दर्शकों, ग्रहों की परिस्थिति इमरान खान के लिए अभी भी फेवर में नहीं है। थोड़ी परेशानियां कम अवश्य होती है, लेकिन यदि हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं, इमरान खान की कुंडली को देखते हैं, तो आने वाला समय उनके लिए अभी बहुत चुनौतियां लेकर आने वाला है। दर्शकों, यदि मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान ने इस समय पर भस्मासुर का रोल अप्लाई कर लिया है अपने ऊपर, तो ये कोई गलत नहीं होगा। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से वो तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसे पाल पोस रहा है, उसको आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश कर रहा है, वो ये भूल कर रहा है अभी जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है वो ब्रह्मांड में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। और दर्शकों, मैं आपको आज बहुत स्पष्ट तौर पर उदाहरण के साथ समझाता हूं कि कैसे बड़े परिवर्तन इस दुनिया में आते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं हम रामायण काल की। रावण के वंश से ही विभीषण पैदा हुआ और वही उस कुल के अंदर बड़े परिवर्तन का कारण भी बना। बाली के कुल में भी सुग्रीव और अंगद जैसे लोग पैदा हुए और एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बना। कंस के जीवन के अंदर भी क्या हुआ, उन्हीं के कुल के अंदर कृष्ण पैदा हुए, यानी कि उन्हीं के परिवार के अंदर, क्योंकि उनके मामा थे, कृष्ण के मामा थे कंस, उन्हीं के परिवार के अंदर से कृष्ण पैदा हुए और कंस का वध हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कौरवों के लिए, तो उन्हीं के कुल से पांडवों का भी जन्म हुआ उन्हीं के कुल में, और आप देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी बनी। दर्शकों, हमेशा से इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी अत्याचार बढ़ता है, पाप इस धरती पर पड़ता है, तो प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेलती है कि विनाश की लीला लिखने वाले लोग, विनाश का खेल खेलने वाले लोग, उन्हीं के यहीं से किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो उनकी उस लंका को जलाने की पूरी ताकत रखता है। हिरण्यकश्यप का उदाहरण ले लीजिए, प्रहलाद भी उन्हीं के कुल में पैदा। दर्शकों, इतिहास के इतने सारे उदाहरण आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि जब विनाश की लीला अपने चरम सीमा पर होती है, तो उन्हीं के धर्म विशेष से कुछ ऐसे लोग निकलते हैं जो भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं, एक नई विचारधारा का सृजन होता है और आने वाले समय में उसी का अनुसरण उनके बाकी बचे हुए लोग करते हैं। दर्शकों, एक चीज बताइए, क्या रावण के मर जाने से पूरी लंका सुधर गई, कंस के मर जाने से सारी परिस्थितियां बदल गई, या कौरवों के खात्मे से क्या पांडवों की परिस्थितियां अच्छी हो गई? लेकिन दर्शकों, शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ कोई व्यक्ति या राजा किसी राज्य का हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, तो उसके पतन के साथ में ही एक नई विचारधारा का जन्म होता है और वही नई विचारधारा उस चीज को ठीक भी करती है। ऐसे में कट्टरपंथी विचारधारा जिस तरह से पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसी में से कुछ अब ऐसे लोग भी निकलेंगे आने वाले समय में जो इन कट्टरपंथी विचारधारा को चुनौती भी देंगे, और उनकी इस चुनौती के कारण से ही लोग कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़ करके उन लोगों का साथ देंगे जो वास्तव में नीतिगत बात करेंगे, और यहीं से इस कट्टरपंथी विचारधारा के पतन का रास्ता भी शुरू होता है। दर्शकों,
लाखों साल के इतिहास के अंदर आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जहां किसी दुष्ट के संहार के लिए आपको कहीं अलग से कुछ लाने की आवश्यकता पड़े हो। प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेलती है कि उसी कुल, उसी स्थान और उन्हीं विशेष परिस्थितियों से किसी ऐसे जीव का निर्माण होता है, किसी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है, किसी ऐसे अवतार पुरुष का जन्म होता है जो उन परिस्थितियों के अंदर आमूलचूल परिवर्तन अवश्य करता है। और वर्तमान का समय भी किसी नई शक्ति के उदय का संकेत दे रहा है, ये बात भी मैंने आप लोगों को बहुत बार अपने इन वीडियो के अंदर बताई है। ऐसे में पाकिस्तान का इस तरह से अपना व्यवहार रखना, चाइना की बुद्धि का भ्रमित होना, अमेरिका की आर्थिक परिस्थितियों का कमजोर होना, बाइडेन जैसे राष्ट्रपति का चुनकर आना जिसकी वजह से पूरे विश्व के पटल पर अमेरिका की फजीहत उड़ना, रशिया का कमजोर रहना, चाइना के अंदर तानाशाही का बढ़ना और भारत का बहुत तेजी से ग्रोथ करना, इस बात का संकेत है कि एक विश्व पटल पर बहुत बड़ी रिशफलिंग होने वाली है। और ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, ये प्रकृति कर रही है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल हो रहा है उस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में या बिगाड़ने में, तो ये हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। दर्शकों, परिस्थिति का जब निर्माण होता है तो परमात्मा, ईश्वर और प्रकृति किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ विशेष शक्तियां भी प्रदान करती है, विशेष अधिकार भी उन्हें दिलाती है, जिनका प्रयोग वो समाज, देश और विश्व के लिए करते हैं। और यही कारण है कि सही रास्ते पर जो लोग हैं उनकी शक्तियों में इजाफा होता है और दुराचारियों की शक्ति का खात्मा होता है, और यही इस समय हो भी रहा है। इसे ही प्रकृति का बहुत बड़ा हम परिवर्तन कहते हैं। और इस पूरे परिवर्तन के अंदर पाकिस्तान भस्मासुर के रोल में आ चुका है, जो अपने ही द्वारा स्वयं का विनाश भी अवश्य करेगा। और जिस तरह से अभी पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम की जो बेइज्जती हुई है, वहां न्यूजीलैंड का दौरा रद्द हुआ है, ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। यानी विश्व पटल पर अब पाकिस्तान की धरती पर भी जाने से लोग कतरा रहे हैं, ये पाकिस्तान को पूरे विश्व के लेवल पर अलग थलग करने के लिए पर्याप्त कारण है। और दर्शकों, आने वाले समय के अंदर विश्व पटल पर अब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए देखेंगे। इसीलिए किसी भी ऐसी चीज को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अब ये हो गया, अब क्या होगा। ये जो भी परिवर्तन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, शनि के कारण से हो रहा है। और दर्शकों, शनि पर जो वीडियो मैंने 2018 में बनाया था, मैं आप लोगों को उस वीडियो के कुछ अंश अपने किसी और एपिसोड में आपको जरूर दिखाऊंगा। जिन लोगों ने वो एपिसोड देखा है उनको अच्छी तरह से पता है, और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है एक बार उसे अवश्य देखना। आप लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि कितनी बड़ी सटीक बात ब्रह्मांड के गोचर को देख करके मैंने 2018 में आप लोगों के सामने कही थी, और आज जब वो घटनाएं घटित हो चुकी हैं तो आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि वो कैलकुलेशन जो मैंने की थी कितनी सटीक थी। अगर वो सटीक थी तो 2027 तक की जो मैंने कैलकुलेशन की है, 2025, 2026 और 2027 तक की, वो कैलकुलेशन भी आपको सच होती हुई नजर आएगी, और शीघ्र ही मैं वो वीडियो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।